शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते आए हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर् मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी गुरुजनों शिक्षकों को मेरा सादर वंदन। आज कोरोना जैसी महामारी के कारण व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से आपका वंदन करना संभव नहीं है, परंतु हृदय की अंतर्भावनों से आपका सादर अभिनंदन। कुछ विचार जो आज मेरे मन में हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वर्तमान में समर्पण का भाव औपचारिकताओं ने ले लिया है। शिक्षकों और गुरुओं में जो मूलभूत अंतर है, गुरु जहाँ जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाता था, वहीं वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षक मात्र पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समझता है। शिक्षा और शिक्षकों के प्रति वर्तमान में कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं, जिससे शिक्षकों का सम्मान भी कम किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में जीवन में कभी भी किसी ने भी आपको जिंदगी में सबक दिए हैं वो सही अर्थों में शिक्षक हैं। प्रकृति, स्थूल, सूक्ष्म, जीव जंतु या मानवीय रूप में विद्यमान कोई भी शिक्षक हो सकता है। शिक्षकों के वंदन और कृतज्ञता जाहिर करने के लिए किसी एक दिन का चयन हो कर उस दिन औपचारिकता का प्रदर्शन कर देना ही उचित नहीं है, अपितु समर्पण का यह भाव पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरण करना ही हमारे संबंधों की गुरु शिष्य या शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों को सार्थकता सिद्ध करेगा। पहले से ही कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊं खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आज के दिन हम सब ये संकल्प लें कि हम सदैव शिक्षकों का सम्मान करेंगे। खास तौर से अभिभावकों से भी मेरा ये निवेदन है कि वह अपने बच्चों के सामने शिक्षकों के प्रति नकारात्मक टीका टिप्पणी न करें, जिससे बाल मन पर शिक्षकों के प्रति नकारात्मक चित्रण नहीं हो। वर्तमान में माधव विजन स्कूल के शिक्षक इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहाँ कि हम सब देख रहे हैं विद्यालय नहीं खुल रहा है, जो औपचारिक शिक्षण है वो व्यवस्था अंतर्गत नहीं चल पा रहा है, फिर भी इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अध्यापन करवा रहे हैं। हमारे टीचर, हमारे शिक्षक मीनाक्षी टेलर, संध्या चतुर्वेदी, निर्मा विजय, चांदनी खत्री हो या और भी जो हमारे साथ इस प्रतिकूल परिस्थितियों में जुड़े हुए हैं, इस काम में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पर इन सब वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और आप तक लिंक शेयर कर रहे हैं, संदीप जी पंवार हो जो भी अभी एक शिक्षक के रूप में ही भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, इन सब का धन्यवाद। और धन्यवाद उनका जो इन सभी को एक सूत्र में बांधे रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, प्रिंसिपल श्रीमती कमलेश जी शर्मा, उनका भी बहुत बहुत शिक्षक दिवस के अवसर पर हम कृतज्ञता साबित करते हैं, समर्पित करते हैं। और इन सबसे बड़ा मेरे पिताजी श्री तुलसीदास जी शर्मा, जिन्होंने शिक्षाविद के रूप में एक बहुत अच्छी पहचान क्षेत्र में बना रखी है। इनका हम सबको संरक्षक के तौर पर हमेशा सुभाषीवाद मिलता रहा है। इनका भी मैं आज इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। और कई ऐसे जाने अनजाने गुरुजन या हमारे जो भी साथ देने वाले हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया या मैं जिनके ज्ञान को अब अंतरित कर रहा हूँ, स्थानांतरित कर रहा हूँ, हस्तांतरित कर रहा हूँ, उन सब के प्रति आज मेरा नमन वंदन।
आप सभी से हमारी यह आशा है कि भारत बदल रहा है। अपनी पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य से अपना कर्म करें। भारत जगत गुरु के पद पर पुनः सिंहासनारूढ़ होगा। इन्हीं भावनाओं इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, प्रणाम भारत, जय गुरुदेव।